कई पौराणिक कहानियों में यह सुनने को मिलती है कि मुसलमान असुरों के वंशज हैं और शुक्राचार्य ने एक शिवलिंग मक्का में स्थापित किया था। मक्का मदीना में भगवान शिव को वचन लेकर कैद कर रखा है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर गंगाजल डाल देता है तो शिवजी वचन मुक्त हो जाएंगे और उस दिन मुसलमान का नाश हो जाएगा। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। यह बात सच है या फिर लोगों की कल्पना, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए हमें मक्का मदीना की कहानी को पहले विस्तार से समझना होगा, जिसके बाद ही हम यह बात स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है भी या नहीं। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सूर्पंखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पंखा, जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। सूर्पंखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। भारत के उत्तर पश्चिम में इलावर्त था, जहां दैत्य और दानव बसते थे। इस इलावर्त में एशियाई रूस का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ईरान का पूर्वी भाग तथा गिलगित का निकटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। आदित्यों का निवास स्थान देवलोक भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालयी क्षेत्रों में रहा था। बेबीलोन की प्राचीन गुफाओं में पुरातात्विक खोजों तक में जो भित्ति चित्र मिले हैं, उनमें भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उत्कीर्ण किया गया है। उस युग में अरब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा था, इसी कारण देवों दानवों और दैत्यों में इलावर्त के विभाजन को लेकर 12 बार युद्ध हुए। देवता के राजा इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह शुक्र के साथ इसी विचार से किया था कि शुक्र देवों के पक्षधर बन जाएंगे, लेकिन शुक्र दैत्यों के गुरु बने रहे। यहाँ तक कि जब दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना तो वो उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक रहे। अरब में शुक्राचार्य का इतना मान सम्मान हुआ कि आज जिसे काबा कहते हैं।
वो वस्तुतः शुक्राचार्य के सम्मान में निर्मित उनके आराध्य भगवान शिव का ही मंदिर है। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा प्रचलित हुआ। अरबी भाषा में शुक्र का अर्थ बड़ा अर्थात जुम्मा इसी कारण किया गया और इसी से जुम्मा शुक्रवार को मुसलमान पवित्र दिन मानते हैं। कहते हैं कि इस्लाम मजहब के प्रवर्तक मोहम्मद स्वयं भी वैदिक परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे थे और जब उन्होंने अपने सनातनी मूर्ति पूजक परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चित किया तब संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया और काबा में स्थित महाकाय शिवलिंग और काबा के रक्षार्थ हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। तत्कालीन समय में उमर बिन हश्शाम का अरब में एवं केंद्र मक्का में इतना अधिक सम्मान होता था कि संपूर्ण अरबी समाज जो कि भगवान शिव के भक्त थे एवं वेदों के उत्सुक गायक तथा हिंदू देवी देवताओं के अनन्य उपासक थे उन्हें अबुल हाकम अर्थात ज्ञान का पिता कहते थे। बाद में मोहम्मद के नए संप्रदाय इस्लाम ने उन्हें ईर्ष्यावश अबुल जिहाल अज्ञान का पिता कहकर उनकी निंदा भी की। प्राचीन अरबों ने सिंध को सिंध ही कहा तथा भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों को हिंद कहना लिखना ही निश्चित किया। सिंध से हिंद होने की बात बहुत ही अवैज्ञानिक है, बिना किसी आधार के है, क्योंकि सिंध किसी तरह अपभ्रंश होकर हिंद हो ही नहीं सकता। इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद के पैदा होने से 2300 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1800 ईस्वी पूर्व भी अरब में हिंद एवं हिंदू शब्द का व्यवहार ज्यों का त्यों आज ही के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अरब की प्राचीन समृद्ध संस्कृति वैदिक थी तथा उस समय ज्ञान विज्ञान कला कौशल धर्म संस्कृति आदि में भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध थे। हिंद नाम अरबों को इतना पसंद रहा है कि उन्होंने हिंद देश के नाम पर अपनी स्त्रियों एवं बच्चों के नाम भी हिंद पर रखे। उदाहरणार्थ हजरत मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की बड़ी लड़की का नाम उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब था जिसे लोग फकीत और हिंदा भी कहते थे। इस्लाम की किताबों और प्राचीन अरबी किस्सों तक में हिंद और हिंदा नाम बहुत ही प्रचलित रहा है। अरबी काव्य संग्रह ग्रंथ सैरुल ओकुल के 253वें पृष्ठ पर हजरत मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम की कविता है जिसमें उन्होंने हिंदे यौम एवं गबुल हिंदू का प्रयोग बड़े आदर से किया है। प्राचीन अरबी में दुशारा यानी पहाड़ों का देवता कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद साहब तक और इस्लाम के उदय से लेकर फैलने तक के प्रारंभिक समय तक तो अरब भी स्वदेशी बहुदेववादी विश्वासों को मानने वाली सभ्यता का केंद्र ही रहा है और यही अकाट्य शाश्वत सत्य है जिसे तो इस्लाम और सऊदी भी नहीं झुठला सकता। अगर हम विकिपीडिया पर सर्च करें कि दुनिया के आतंक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।